दोस्तों, डंकी मूवी पर रॉकिंग स्टार यश ने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट देते हुए कहा, डंकी और सलार बहुत अच्छी मूवी है और दोनों की ऑडियंस अलग अलग है। डंकी को शाहरुख खान के फ्रेंड्स काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और वहीं सलार को प्रभास के फ्रेंड्स काफी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों मूवीज को अलग अलग रिलीज किया जाता तो दोनों की कमाई में काफी डिफरेंट देखने को मिलता। लेकिन राजकुमार हिरानी ने जो डंकी में सामाजिक संदेश दिया है वो हर किसी को देखना चाहिए। रॉकिंग स्टार यश कहते हैं, इंडिया से काफी लोग अपने सपने पूरे करने के लिए दूसरे देशों में गलत रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं और उनको एक बार शाहरुख खान की डंकी मूवी लाजमी देखनी चाहिए और डंकी में जो कुछ दिखाया गया है वो सब कुछ सच है और वहीं इस मूवी का हर एक सीन इमोशनल है और काफी ऐसे कॉमेडी के सीन्स भी दिखाए गए हैं जो कि हंसाते भी है और रुलाते भी है। दोस्तों, साउथ हो या फिर नॉर्थ, डंकी मूवी को हर कहीं काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और शाहरुख खान अब सिद्धांत आनंद की धूम 4 में नजर आएंगे, ऐसी बातें तेजी से वायरल हो रही है। और एक तरफ अभिषेक बच्चन मीडिया से बात करते हुए कहते हैं, वायरल बहुत जल्द धूम 4 की अनाउंसमेंट करने वाले हैं और इस बार जो स्टोरी हमें धूम 4 में देखने को मिलने वाली है वो भी काफी कमाल है, यानी कि पहले पठान, उसके बाद जवान और अब डंकी के बाद धूम 4 शाहरुख खान इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे जो कि तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। शाहरुख खान हमेशा बहुत अच्छी अच्छी कहानियों पर मूवीज बनाते हैं और उनको पता होता है कि कौन सी मूवी लोग सबसे ज्यादा देखना पसंद करते हैं और इस बार शाहरुख धूम 4 के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि डायरेक्टर सिद्धांत आनंद पहले ही पठान में शाहरुख को बहुत अच्छे एक्शन अवतार में दिखा चुके हैं और अब धूम 4 में शाहरुख को नेक्स्ट लेवल एक्शन सीक्वेंसेस करता हुआ हम देखेंगे। वहीं डंकी ने भी पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। दोस्तों, डंकी मूवी ने हर किसी को इमोशनल भी कर दिया है और वहीं इस मूवी को राज्यसभा में भी दिखाया गया और श्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मूवी को काफी पसंद किया है। और अगर हम कमाई के बारे में बात करें तो यह मूवी पूरी इंडिया से 300 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है और अब इस मूवी की कमाई में और ही ज्यादा इजाफा आ गया है और लोग डंकी को भी बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, शाहरुख खान इंडिया के नंबर 1 एक्टर है। डंकी एक असली और दिल को छूने वाली कहानी है जो कि हर इंडियन को देखनी चाहिए क्योंकि हर साल काफी ऐसे इंडियन जो कि विदेश गलत रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं और फिर या तो वो मारे जाते हैं या फिर उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है जो कि दिल को दहला देता है और ये सब कुछ डंकी में अच्छे से दिखाया गया है। अगर कोई भी इंसान इतनी बड़ी गलती करने का सोच रहा है तो उसको एक बार डंकी मूवी लाजमी देखने चाहिए जिससे कि उनको पता लगे कि डंकी रास्ता क्या है और उस पर जाने से क्या होगा। दोस्तों, सच बताना, अगर शाहरुख खान धूम 4 में आ जाते हैं तो कितनी बड़ी सुनामी आएगी। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल FFU को सपोर्ट करो और हम आपके लिए ऐसे ही डंकी की सारी अपडेट लाते रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना और हमें सपोर्ट भी करना। धन्यवाद।